बढ़ते आगे, बिहार के छपरा में जहरीली शराब मामले में 49 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि 12 दिसंबर को मसरक के हनुमानगंज में शराब पार्टी हुई थी। इस पार्टी में 50 से ज्यादा लोगों ने जमकर शराब पी थी और लोगों की तबीयत खराब होने से उनकी मौत होने लगी। इस बीच शराब कांड में डीएम सारण और एसपी सारण ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी। डीएम सारण राजेश मीणा ने बताया कि सदर अस्पताल छपरा में कुल 17 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है और 9 और शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, यानी कि कुल 26 शवों का पोस्टमार्टम करने की जानकारी डीएम सारण ने दी है। हमने इसमें जांच किया है, हम लोगों ने स्थल निरीक्षण भी किया है और इसमें कई पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ कर्मियों की, कुछ अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। इसको देखते हुए जो स्थानीय चौकीदार हैं और मशरक थाना प्रभारी, इनको हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। साथ ही साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मढ़ौरा, उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई हेतु विभाग को हम लोगों ने प्रतिबंधित किया है और उनके स्थानांतरण हेतु भी विभाग को रिक्वेस्ट किया गया है। देखिए, घटना इसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें ये फैक्ट है कि वहाँ पर एक ही अनुमंडल में 3 बार इस तरह की घटना घटी है और इसके लिए दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी हम लोगों ने किया है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों या कोई दूसरे कर्मी भी हों। हम लोगों का प्रयास इसमें जारी है कि इस प्रकार की घटनाएँ आगे भविष्य में नहीं हों और उन पदाधिकारियों के साथ साथ और किन्हीं की अगर लापरवाही या संलिप्तता होती है तो उन पर भी कार्रवाई आगे जाँच प्रतितंत्र की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के सफल उद्भेदन, त्वरित गिरफ्तारी एवं अनुसंधान के लिए एक विशेष अनुसंधान दल SIT का गठन किया गया है। एडिशनल SP सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर के नेतृत्व में, जिसमें 3 पुलिस उपाधीक्षक सहित कुल 31 पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया है और उसके द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है। इस क्रम में 2 कांड दर्ज किए गए हैं, एक मसरक में और एक जो है इस्वापुर में। कोई अरेस्टिंग हुई है अभी? जी बिल्कुल, 4 अरेस्टिंग हुई है और जो बताया गया है कि जो शराब जहां से ये सप्लाई किया गया वहां पर भी छापामारी की गई और वहां से जो है शराब जो बचा हुआ उसका मात्रा था उसकी बरामदगी भी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार के ब्यूरो चीफ अवनीत कुमार झा जुड़ गए। अवनीत, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, सबसे पहले बताएं। जी दीपाली, अपने तत्वों को बता दें, मंगलवार की घटना है जो कि अब जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 35 तक करीब पहुंच गई है, जो कि अभी इस पर पुलिस ने इसको स्वीकार नहीं किया है। पुलिस ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जो वहां के डीएम और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस राकेश मीणा और संतोष कुमार ने की, उन्होंने 26 जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 26 तो स्वीकारी है, लेकिन जो हम सूत्र बता रहे हैं कह रहे हैं कि यहाँ मरने वालों की संख्या 35 तक है, जबकि अभी 15 लोग अस्पताल में अभी सदर अस्पताल में भर्ती है। इस पर कार्रवाई की अगर बात देखें, कार्रवाई की देखें तो इस पर इसे इसुआ और मसरक में 2 जगहों पर थाना इसमें केस दर्ज किया गया है इस मामले पर। और ये इस मामले में SDPO जो यहाँ के थे आपको मढ़ौरा के, इनको इनके स्थानांतरण का सिफारिश की गई है और जबकि इस केस में वहाँ के थाना प्रभारी और जो चौकीदार हैं उनको निलंबित किया गया है, राकेश मिश्रा और विकास कुमार को जो चौकीदार हैं और राकेश मिश्रा वहाँ थानेदार थे मढ़ौरा में जी। तो इधर देखें तो कार्रवाई के नाम पर यही अभी तक हुआ है और जब छापेमारी के नाम पर की बात करें तो यहाँ सोनपुर DSP के नेतृत्व में यहाँ SIT का गठन किया गया है, जिसमें 3 अधिकारी जो अपर अधीक्षक उप अधीक्षक कहें, 3 उपाधीक्षक हैं और 31 पदाधिकारी इस SIT में गए जी। अवनीत, बिहार में शराबबंदी की बात अक्सर कही जाती है लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी जी, कल यहाँ अगर हम देखें तो विपक्ष के हंगामा, सदन में हंगामा होता रहा, दिन भर हंगामा होता रहा और शाम तक विपक्ष के जो हमारे ये प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा हैं, विधान परिषद के जो सम्राट चौधरी हैं वो और कई BJP नेता पहुंचे, सारण पहुंचे थे और वहां पीड़ित परिवारों से मिले और उन्होंने उन्हें पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और सीधे सीधे कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ ये हत्या नीतीश कुमार ने करवाई है। अवनीत, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ऐसे मामलों में आने के बाद जो है राजनीति कहीं ना कहीं गर्माती हुई भी दिखाई देती है और शराबबंदी का मामला सबसे ज्यादा हाइक पर दिखाई देता है बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ अवनीत ने भी यही जानकारी दी कि जो आंकड़ा है 35 तक पहुंच गया है, मामले की कार्रवाई की जा रही है और जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ
खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी।